वाले से आम खबर आपको बता रहे हैं। डॉक्टर वासिफ का मुबैना अगवा। आपको बताएं कि डॉक्टर वासिफ को चंद अफराद ने पहले तशद्दुद का निशाना बनाया और उसके बाद हमलावर गाड़ी में जबरदस्ती भटाकर फरार हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक वाकये पर यूनिवर्सिटी तलबा और असातिज़ा में तशवीश पाई जा रही है। पुलिस ने शक की बुनियाद पर तीन तलबा को हिरासत में ले लिया है। डॉक्टर वासिफ को चंद रोज पहले तशद्दुद और अगवा किया गया था। आपको एक अहम खबर दें, आपको बताएं कि मुल्तान में बहाउद्दीन ज़किरिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर डॉक्टर वासिफ के मुबैना अगवा का मामला है। वाके पर यूनिवर्सिटी के तलबा और उसातजा में तशवीश की लहर दौड़ गई है। पुलिस ने शक की बुनियाद पर तीन तलबा को हिरासत में ले लिया है। इस हवाले से आपको अपडेट करें, आपको बताएं कि डॉक्टर वासिफ को हमलावर गाड़ी में फिटा कर जबरदस्ती फरार हो गए हैं। पहले उन्हें तशद्दुद का निशाना बनाया गया और उसके बाद उनको अगवा कर लिया गया है। मुकर्रम खान इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, तफसीलात उनसे जान लेते हैं। जी मुकर्रम, ये क्या वाकया है? जी बिल्कुल, सरकारी जामिया से असातिज़ा के अगवा होने का भी जो सिलसिला है वो शुरू हो गया है। बहाउद्दीन ज़किरिया यूनिवर्सिटी के शोबा जंगलात के असिस्टेंट प्रोफेसर वासिफ नुमान को शोबा ज़राअत के गेट से जो है अगवा किया गया था। और इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि अगवाकार जो है तीन गाड़ियों पर आए और जो है गन पॉइंट पर असिस्टेंट प्रोफेसर को अगवा किया। पुलिस के ने जो है सीसीटीवी फुटेज जो इस वक्त चैनल 5 पे भी होगी वो अगवाकारों की शिनाख्त करने के बाद जो है दो मुलजमान को गिरफ्तार किया। मुलजमान की निशानदेही पर असिस्टेंट प्रोफेसर को ननकाना चौक के करीब वाके मकान से बाजियाब करवा लिया गया। और इसके अलावा आप मजीद बता चलूँ कि मुलजमान के कब्जे से असला भी बरामद कर लिया गया। गिरफ्तार होने वालों में दो मुलजमान का ताल्लुक तलबा तंजीम से है, जबकि मुलजिम के दीगर साथियों को गिरफ्तारी के लिए पुलिस के छापे जारी हैं। जी बहुत शुक्रिया मुकर्रम खान, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे